अब देखते हैं पावर पॉइंट में हम एक फोटो एल्बम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फोटो एल्बम समझते हैं, ये हमने यहाँ पे कर लिया, हाउ टू क्रिएट फोटो एल्बम इन एमएस पावर पॉइंट। अब फोटो एल्बम बनाने की क्या जरूरत हो सकती है, पहला तो सवाल ये है। हाँ, फोटो एल्बम क्यों बनाएंगे? देखिए भाई, इसका दूसरा एक एस्पेक्ट समझाता हूँ मैं आपको ना। देखिए, आपने बहुत सारी फोटोज खींची और वो फोटोज आपने प्रिंट करवा ली और प्रिंट करा के आपने एक डब्बे में रख दी। अब डब्बे में रख दी, जब रिश्तेदार आते हैं तो डब्बा दे देते हैं आप उनको, फिर डब्बे में से फोटो निकलते हैं, फिर एक इसके हाथ में, दो उसके हाथ में, चार इसके हाथ में, पांच इसके हाथ में, दो चार महीनों में उस फोटोज 50 थी वो रह जाती हैं 30, बाकी 20 कहाँ गई, फट गई, कोई इधर गुम हो गई, कोई बच्चा ले गया, कोई उधर ले गया, और प्लस में देखने वाले को भी बड़ी दुश्वारी थी। तो इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे आप, एक उसको बुकिश फॉर्म में ले आएंगे, एक अच्छा सा कॉटेड कवर लगा के उस पर एक टाइटल लगाएंगे, टाइटल लगा के उसको आप जो है ना बेहतर तरीके से फोटोज को कोटिंग करके उसके अंदर डाल देंगे। फिर जब भी कोई रिलेटिव आएगा, वही वो फोटो एल्बम, हाँ देखिए फोटो एल्बम है, उसको डब्बे से निकालेंगे, एल्बम को वो इजीली रीड करेगा, एक देखेगा, देखने के बाद वो आपको दे देगा। इसमें सारे बैठ के उसी एल्बम को देखेंगे एक एक करके, और आपके फोटो भी कम नहीं होंगे, वो साला साल चलेगा। लेकिन ये तो हो गया हमारा वो काम जो हम 90s में करा करते थे, 2000। अब तो आजकल IT का दौर है, अब आप जब जाते हैं तो आपके पास तो खुद कैमरा है, खुद कैमरे से आप धड़ाधड़ इधर क्लिक उधर क्लिक इधर क्लिक इधर, किसी की वेडिंग में गए, किसी के हम इंगेजमेंट में गए, कोई टूर पे गए, कोई एनोग्रेशन में गए, धड़ाधड़ क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद अब हो ये रहा है कि हमारा मोबाइल कर रहा है एग्जॉस्ट। क्या कर रहा है हमारा मोबाइल? जीमेल फुल हो जाता है, मोबाइल की मेमोरी कम पड़ रही है, ये एक अलग इश्यूज आने लग गए। लेकिन हम फोटो खींचते हुए मानते ही नहीं है, एक ही फोटो को 15 दफा खींचते हैं, वो तो हमारी हॉबी है। अब आता है रिलेटिव, यार तो फलानी जगह वही हुई, हाँ मैं गई थी, तो फोटो से मोकल्स। अब फोटो भेजने के लिए जैसे ही मैं अपना फोटो एल्बम खोलता हूँ तो मुझे आ जाती है मौत, हल 100 इमेजेस, उनमें से सेलेक्ट करने हैं, फिर जिसमें मेरा मुंह टेढ़ा सीढ़ा नहीं आया है उसमें से अच्छे फोटो सेलेक्ट करने हैं और उसको उठा के फिर मुझे वहाँ पे सेंड करने हैं। अब इसमें क्या होता है, जिसको हम सेंड कर रहे हैं फिर एक दूसरे मैसेज आता है रिलेवेंट का, मुख्य भी मोकल्स फिर से सेलेक्ट करना है, फिर इस चक्कर में हम लेजी हो जाते हैं, और लेजी हो जाते हैं तो अब सबको नहीं भेज पाते। अच्छा, फिर जिसके पास मोबाइल में हम फोटो भेज रहे हैं उसको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे ही ब्रस्ट जाता है इसके मोबाइल में उसकी मेमोरी फुल हो जाती है, हल इतना फोटो मोकली छड़िया, फिर वो एक एक करके डिलीट करती है, या फिर उसमें प्राइवेसी का भी चक्कर रहता है कि वो एक पूरी फोटोज जो है अलग अलग आगे पीछे हो गए, अब वो मोबाइल किसी के पास जा रहा है, वो जैसे ही क्लिक करें सारे फोटोज खुल के सामने आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल के दौर में। अब इसका सोल्यूशन क्या है, वही वाला सोल्यूशन जो 90s में कर रहे थे, एल्बम बना दें उसका, फिर जिसको एल्बम सेंड करेंगे आसानी रहेगी, आपके पास अरेंज रहेगा। तो वो एल्बम बनाएंगे कैसे हम इसके अंदर, तो पावर पॉइंट हमें एक फीचर देता है कि आप उसके अंदर एल्बम बना लें। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले हमें ये करना पड़ेगा कि वो सारे फोटोज जो हमें उस एल्बम में ऐड करने हैं उसको एक फोटो में डाल, एक फोल्डर में डालना पड़ेगा। माना हमने फोटोज खींचे, फोटोज खींचने के बाद उनको हमने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करके एक फोल्डर में डाल दिया, बाकी सारे फोटोज को डिलीट कर दिया हमने। जैसे ही फोटोज हमारे इसके अंदर आ गए उस फोल्डर में, तो हमने उनको ऑर्गेनाइज तो कर ही लिया था, तो ऑर्गेनाइज करने पावर पॉइंट में जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके क्लिक करेंगे फोटो एल्बम पर, यहाँ से कहेंगे न्यू फोटो एल्बम, यहाँ से कहेंगे फाइल साइज ऑन डिस्क। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप वो फोल्डर चूज कर लेंगे जहाँ पे आपके फोटोज हैं। उस फोटोज में इसमें दो तरीके हैं, अगर आपने फोटोज चूज करने हैं तो फिर आप सेलेक्ट करें कौन सा फोटो देना है, कंट्रोल की हेल्प की मदद से कंट्रोल होल्ड करके रखें और फोटो को सेलेक्ट कर लें, होल्ड करके रखेंगे तो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकेंगे ना इस तरीके से, सही। अच्छा, उसके बाद आपने तो पहले से ऑर्गेनाइज कर रखा है ना सारे फोटोज निकाल के, उसमें से सॉर्टिंग करके रखे हुए छांट के, भाई ये फोटो में जा लूं, तो कंट्रोल ए दबा दें और उसको कह दें इंसर्ट, तो ये सारे फोटोज इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, सही है, सारे फोटोज आ गए इसके अंदर। अब फोटोज का जो अरेंजमेंट है आप देख लें किस तरह से है, उसके बाद भी ऐड होने के बाद भी आपको लगता है कि यार ये पहले नहीं आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था, उस पर चिक लगाएं और इसको यहाँ से बैक डाउन 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 करके नीचे ले आए, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया इस पर से चेक हटा दें, ये पहले नंबर पे आ गया, आप कह रहे हैं नहीं यार ये इनमें से कोई भी पहले नंबर पे नहीं आए बल्कि ये फोटो पहले नंबर पे आना चाहिए, तो इस पर क्लिक किया और ऊपर से चेक हटाएं, पहले इन पे से एक पे टिक होना चाहिए, अब करके इसको ऊपर ले जाएं, ये देखिए फोटो कहां चला गया। यार
ठीक है, तो आपने देखा मैं उसको फर्स्ट पे ले आया, तो ये आप काम कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर किसी फोटो में ऐसा टेढ़ा आ रहा था तो उसको सीधा करना है तो रोटेशंस को सीधा कर लें, किसी में ब्राइटनेस कम थी तो बढ़ा लें, कम ज़्यादा थी तो कम कर लें। बहरहाल ये थोड़े से एडिटिंग के फीचर हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं कर रहे तो ठीक है। अच्छा, अब कह रहे ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट, अगर आप सारी पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट तौर पर सेंड करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस पर चेक लगा दें, लेकिन अगर आप सारी पिक्चर्स को ब्लैक एंड वाइट सेंड नहीं करना चाह रहे तो फिर चेक हटा दें। फिर कह रहा है कि अगर किसी पिक्चर के साथ अलग से टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है जिसमें आप कुछ एक्सप्लेन भी कर सके लाइक स्टोरी वाइज ना, तो आप उसके साथ एक टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड करा लें, और अगर नहीं तो फिर जरूरत नहीं है ऐड कराने की, उसको यहाँ से क्लिक करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपीयरेंस की तरफ। कह रहा है अभी आपका एक फोटो एक स्लाइड के ऊपर आएगा, यानी कि एक फोटो एक स्लाइड पर आएगा, तो दो स्लाइड पर दो फोटो, तीन स्लाइड पर तीन फोटो, इस तरह से। कह रहा है आप अरेंजमेंट को चेंज कर लें। कैसे? कह रहा है कि फिट ऑन स्क्रीन है वन पिक्चर कर दें एक स्लाइड के ऊपर, ऐसे आएगा एक स्लाइड इस पर एक पिक्चर आएगी, फिर क्लिक करके टू पिक्चर्स कर दें एक स्लाइड पर तो एक स्लाइड पर दो पिक्चर आ जाएंगे, फिर ऐसा करके आप कर दें चार पिक्चर एक स्लाइड पर कर दें तो चार पिक्चर एक स्लाइड पर आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात, एल्बम को तरतीब कैसे देना है, नहीं समझ में आ रही? आ रही, ठीक। तो उसके बाद एक पिक्चर विद टाइटल, मतलब मैं ये पिक्चर पूरी आए और ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स भी आए जिसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगी या करूंगा, इस पर क्लिक करके दो पिक्चर आए और उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी किस टाइम पर था, तो ये ले लें। फिर उसके जो कॉर्नर्स है वो कैसे हो, रेक्टेंगल हो, राउंडेड रेक्टेंगल हो, या फिर सिंपल फ्रेम पर हो, या फिर कंपाउंड फ्रेम पर हो, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे इस तरीके से देख लेनी है। उसके बाद यहाँ से आप क्लिक करके जैसे ही इसको कहेंगे क्रिएट, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विल मेक अ फोटो एल्बम फॉर यू। इट विल टेक टाइम, सब अरेंजमेंट वगैरह करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए इसने आपके लिए बना दिया और एक स्लाइड पे लिख दिया आपने फोटो एल्बम, फोटो एल्बम पे आपने लिख दिया कि चलो अपना लिख दिया, यू लिख देते हैं हम इसके ऊपर एक अच्छा सा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कराची टूर फोटो एल्बम बाय अपना नाम लिखा, डेटेड 31 मई 2024। सही, ये हमने उस पर रेफरेंसेस डाल दिए और जो भी रेफरेंस डालना चाहे, इसको हम गए सेव किया, ब्राउज किया और ब्राउज करके हमने जहाँ पे सेव करना था वहाँ पे जाके हमने इसको सेव कर दिया। पावर पॉइंट फाइल्स के अंदर चले गए, यहाँ से हम चले गए आपके ग्रुप के अंदर और ग्रुप में जाके हमने यहाँ पे क्लिक किया क्लास 02 फोटो एल्बम। ठीक है, यहाँ से आपने इस पर क्लिक कर दिया, ये लीजिए आपकी पावर पॉइंट की फाइल में सारी फोटोज आ गई। सही है, अब आपने कहा सर ये तो काम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मसला हो गया। मसला क्या हो गया सर? ये पावर पॉइंट की फाइल जिसको भी मैं भेजूंगी तो उसके कंप्यूटर या मोबाइल में पावर पॉइंट फाइल का होना लाजमी है, अदरवाइज ये तो खुलेगी नहीं। पीपीटी फाइल तो खुलती पीपीटी के ऊपर है, पावर पॉइंट के ऊपर है। इसके लिए सोल्यूशन ये होता है कि आप क्या करेंगे, दो तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं। एक कि अगर हमें उसको फोटो सेंड करना है तो हम इसकी बनाएंगे पीडीएफ। क्या बनाएंगे? तो पीडीएफ बनाने से पहले हम एक डिजाइन लेंगे, अच्छे से डिजाइन को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर कि भाई मेरा फोटो एल्बम किस तरह का नजर आना चाहिए। ठीक है, इसमें हर चीज को हम वेरिएशंस में ले सकते हैं, जैसे कि अगर फॉन्ट स्टाइल वगैरह, कलर स्कीम वगैरह जो हमें अच्छी लग रही है, जैसे कि ये स्कीम अच्छी लग रही है, फॉन्ट कौन से अच्छे लग रहे हैं, इसमें फॉन्ट्स ये वाला सही लग रहा है, तो इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। फिर फोटोज पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हर फोटोज के ऊपर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया था। क्यों लिया था? ताकि आप एक्सप्लेन कर सके, मतलब देखिए ना थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग करें ना। फोटो जो होता है तो फोटो में एक सवाल होता है, ये कब की फोटो थी? हाँ ये उसको मिठाई खिलाते वक्त, अरे हाँ इस वक्त ऐसा नहीं होता, उसने उसको चप्पल मार दी थी खींच के ना, और उसने जूता छुपा लिया था वहां पे। सो ये क्या होते हैं? वो मूवमेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं इमोशंस, और इमोशंस तो हमारे फोटोज में कैद तो होते हैं लेकिन बिहाइंड द सीन की स्टोरी इसमें नहीं आती, पर इसमें हम वो चीज कर सकते हैं। लेट सपोज अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, चल यार ये इसी फोटो है भाई, अब इंग्लिश में लिखें उर्दू में लिखें वो आपकी मर्जी है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया अंगूठी पहना दे हुए हॉल में, ठीक है, ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो भाई ये देखें, एक जब फोटो देखा जाएगा तो देखने वाला कहेगा अच्छा हाँ यार ये अंगूठी पहनाते वक्त जो ना हॉल में जब वहां पे लिख दिए फोटो इस तरीके से। सेकेंड यहाँ पे लिख दिया सपोज टू बी, हमने यहाँ पे लिख दिया ऑफिस में
अकाउंट्स पर काम करते हुए। इस तरह से हम इसको इमोशंस भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपका जो फोटो एल्बम है बिकम स्टोरी एल्बम। मतलब देखें, वो शायद आपने पढ़ी हो वो हीना की कहानी, ज्योति की कहानी, किताबें आती थी उसमें तस्वीरें होती थी, उसमें ऊपर कैप्शन लिखे होते थे, आज हीना बहुत बीमार है, भाई अगली तस्वीर हीना क्यों बीमार है, हीना ने बर्गर खा लिए थे बाहर के, फिर डॉक्टर की तस्वीर दिखाते हैं, तो जब डॉक्टर ने बताया कि बर्गर नहीं खाने चाहिए तो उनको हम क्या कहते थे, स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स में क्या होता था, तस्वीरें होती थी और उनके ऊपर स्टोरीज लिखी भी होती थी, जिससे बच्चे पढ़कर या लोगों को तरगीब दी जाती थी कि हाँ भाई ये काम ऐसे हो रहा है, अवेयरनेस के लिए बच्चों की स्टोरी बुक्स आती थी। और आज भी कुछ कार्टून्स आते हैं वो मैगजीन्स में, तो उसमें कैप्शंस लिखे होते हैं कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। तो इस तरह आपका फोटो एल्बम स्टोरी बुक में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप उसको स्टोरीज टाइप बनाना चाह रहे हैं तो स्टोरी टाइप बन जाएगा, खाली फोटोज दे रहे हैं तो फोटो एल्बम बन जाएगा। हाँ, अब मुद्दा ये था कि भाई ये जो फोटो एल्बम है ये तो पावर पॉइंट की फाइल में है, और पावर पॉइंट तो मेरे किसी कजन के पास है ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं पावर पॉइंट क्या है। उनके पास क्या होता है मोबाइल के अंदर, गूगल क्रोम तो होता है ना सबके पास, क्रोम तो सबके पास होता है और कंप्यूटर में भी होता है। तो हम इसको फाइल में जाके कहेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करके कहेंगे क्रिएट, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस, और यहाँ पे क्लिक करके जैसे हम ये कहेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि भाई इसको क्या करना है। तो हमने कहा कि भाई क्लास 02 जो भी नाम रखना है, वेडिंग फलाना, वेडिंग एनवायरनमेंट वगैरह जो भी था, इसको हमने कह दिया पब्लिश। तो ये इन सब की बनाएगा पीडीएफ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। एक साथ एक स्लाइड पर चार आ सकते हैं मैक्सिमम इसके अंदर, ये फिर वो स्लाइड और ज्यादा करेंगे तो छोटी हो जाएगी, फिर वो चार से ज्यादा लेने का तरीका अलग है, वो फिर मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अगर आप 8-12 भी लेना चाह रहे हैं ना वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग है फिर। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस शुरू हो गया है और ये इसको कंप्रेस करके पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, डन हो गया। तो अब हम इसको सेव करते हैं और जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर, कहाँ पे इसने सेव किया है, तो ये गए ब्लॉसम के फोल्डर में, यहाँ से हमने आइकन्स को थोड़ा लार्ज किया। तो देखिए इसने एक हमारी पावर पॉइंट की फाइल बनाई है क्लास 02 फोटो एल्बम, जो पावर पॉइंट में ही खुलेगी ऑलवेज, बिन वो इधर ही रहेगा, जिसको आप जब चाहें एडिट कर सकते हैं। और ये देखिए इसने एक पीडीएफ फाइल बनाई है, और कितना ज़बरदस्त काम कर दिया है इसने, सारा कलेक्शन एक पीडीएफ फाइल में डाल दिया। अब जैसे आपके रिलेटिव खोलेंगे पिक्चर क्वालिटी भी इंप्रूव है और वो इजीली फोटोज को ऐसे करके स्क्रॉल करके देखेंगे। अब इससे हमें क्या एडवांटेज होगा, सारे फोटोज ऑर्गेनाइज हो गए, फोटोज लीक भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसकी गैलरी में बर्डन ही नहीं पड़ेगा, जैसे गैलरी खुलेगी फोटो नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो डॉक्यूमेंट में चला जाएगा और फिर वो डॉक्यूमेंट में जाके उसको इजीली देख सकती है, और वो भी जिसको भी शेयर करेगी उसके पास भी डॉक्यूमेंट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे फोटोज लीक होने का भी मसला खत्म हो जाएगा। इस तरह से आप अपने काम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपने डिफरेंट एल्बम्स बना के रख सकते हैं, चाहे तो स्टोरीज बना लें, चाहे तो एल्बम बना लें। लेट सपोज अगर आप यूट्यूब पर अपना चैनल बनाते हैं, फेसबुक पे बनाते हैं और डिजिटल क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह से फोटोज कलेक्ट करें, उनके ऊपर कैप्शंस लगाएं अच्छे अच्छे उर्दू में, सिंधी में, और उनको स्टोरी की फॉर्म में पीडीएफ बना के अपने अपने चैनल पर या फिर फोटोज की फॉर्म में अपने अपने चैनल पर अपलोड कर दें। नेक्स्ट में मैं आपको उसकी वीडियोस बनाना और उसके एनिमेशंस बनाना भी बताऊंगा कि किस तरह से कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त काम हो गया इसके ऊपर, और जिसको सेंड करना है भेजने में भी आसान है, और फाइल का साइज भी अंडर कंट्रोल है। ये देखिए सिर्फ 13 MB की फाइल है, कितना स्पेस बच जाएगा। आप अपने सारे फोटोज डिलीट कर दें और उसको रख लें अपने मोबाइल में, ठीक है। अब सेंड करना भी हमारे लिए कितना आसान है, देखिए मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। तो यहाँ से हमने क्लिक किया और ये हमने अपने रिलेटिव के पास भेजना है, क्लिक किया यहाँ से,
इस फाइल को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, चला गया और उनके पास भी इसी तरह से खुल जाएगा, सही है। अब रादर देन कि फोटो एल्बम का मतलब किसी भी तरह का फोटो हो सकते हैं, आपके पास कुछ असाइनमेंट आती है फोटोज के तौर पे, कुछ मटेरियल पिक्चर्स मोड में आ जाता है, उसको अरेंज करना है, तो ये ऑर्गेनाइज करने का बेहतरीन तरीका है। आप सारा ऑर्गेनाइज कर लें, उसको आसानी से हो जाएगा वो ऑर्गेनाइज, ठीक है।